हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईटी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और ये गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को अपनाया गया, उसी के अवसर पर हम इस दिन को हर वर्ष मनाते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ भारत के कोने कोने में मनाया जाता है और सभी लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। राष्ट्र का त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, बिना किसी भेदभाव के लोग इसमें सहयोग करते हैं और ऐसे ही आगे हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए अपने यूपी पुलिस की जर्नी को शुरू करते। उत्तर प्रदेश पुलिस के हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं बेटा, तो उन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को करेंगे, जो कि पिछले साल यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल है, खासकर पुलिस में ही पूछा गया है। तो इनका जो भी कलेक्शन है आपके सामने है, बहुत ही अच्छा। और आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और आपको एग्जाम्स में बहुत सुविधा मिलेगी। इस सेशन से आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बेटा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो है कौन? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बेटा राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, डायरेक्ट उनको राष्ट्रपति नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में राज्यों में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है? तो उनकी संख्या 18, 22, 28 और 24। तो संख्या कितनी बेटा? 18 संख्या में बांटा गया है, भागों में यानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंग्लिश में बोला जाता है, में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8 और 9। ऑप्शन बेटा इसमें सारे गलत दे रखे हैं। एक्चुअल में इसमें होते कितने हैं? 6 टोटल। 1+5 का क्राइटेरिया होता है, एक इसमें मुख्य होता है, बाकी इसके 5 सहयोगी सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत दे रखा है, प्रश्न में आपको गलत लिखा, या तो फिर ये 9 की जगह 6 हो जाए तो सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? तीन कथन तो गलत हो गए ना, इसके तीन कथन गलत हो गए, मतलब कि कौन सही है इस बात की हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड या न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अगला, 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक। अगला लाइन, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। अगला, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए न्यायिक और प्रशासनिक विंग की बात हो रही है, तो 1947 के बाद बोर्ड का जो विंग है इलाहाबाद में कार्य करता रहा, कौन सा? न्यायिक विंग, हाईकोर्ट जिसे जानते, कितना घुमा पूछेगा, हाईकोर्ट आज भी वही है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग है इसकी वो कहां भेजा गया बेटा? लखनऊ। अब कहां है? लखनऊ। तो अब इस प्रकार से कुछ नहीं, बस घुमा के थोड़ा सा आपसे प्रश्न को पूछा गया। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। अच्छा, इसका ऑप्शन मैंने आपको शायद ठीक से बताया, बस अंडरलाइन कर दिया। ऑप्शन नंबर बेटा ए सही है इसका। क्या सही है? ए, ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 7, 4, 5।
भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी? बेटा पहले 8 थी, अब वर्तमान में कितनी संख्या इनकी? 12। बिना सोचे समझे कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, 8 होता तो एक बार कंफ्यूजन हो सकता था। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? 246A, 146B, 122C, 101B। बेटा कौन सा अनुच्छेद है? 246A, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसको नियुक्त करना? जिला मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, जिला मजिस्ट्रेट अपर लेवल की बात हो रही है, इनको कौन नियुक्त करेगा? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो बेटा केंद्रीय, अगर एलिमिनेटिंग मेथड से देखें तो सीआरपीएफ का क्या काम है इधर? यूपीएससी स्टेट में क्या करेगी? ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्तियां करती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का काम होता है केवल अधिकारियों को देना, उनकी नियुक्ति कहाँ होगी, क्या करेगा, कौन अधिकारी कहाँ जाएगा, ये बेटा कौन तय करता है? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और इसी प्रकार सेशन को पूरा देखते रहे, आपको बहुत मजा आएगा। मजाक इन द सेंस कि ऐसा नहीं मजाक के लिए पढ़ रहे हैं हम, आपके एग्जाम से क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। लास्ट तक देखें, हो सकता है आपको स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ज्यादा तेज लगे तो धीमा करके देख सकते हैं, पर देखें बिल्कुल लास्ट तक। जहां ना समझ में आए उस चीज को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? HL दत्तू, प्रफुल्ल पंत, प्रफुल्ल चंद पंत, जयदीप गोविंद और ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो बेटा 15वें वित्त जो सह महासचिव है इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार के, वो है जयदीप गोविंद। वर्तमान में इस समय अरुण नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006, 5, 2008 और 2004। देखिए सारे प्रश्न 2020 के आसपास, 20 में आए हुए एकदम लेटेस्ट आपके सब हैं। अब कब किया गया था ये पूछा जा रहा है, किस वर्ष किया गया था? क्या भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन? तो ये बेटा आंसर इसका है 2008। 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में। इस बात का ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना लाएं बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही पास के ईयर दे रखे हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई, मतलब किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान को ऐसे भी क्या कहा जाता है? उधार का कटोरा, मांग मांग के लिया गया इसका मतलब है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? उधार कटोरा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया ही गया है। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा क्या कहाँ से लिया गया इसको देखते हैं। नीति निदेशक DPSP, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स में, आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और कनाडा का संविधान। तो बेटा आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। अमेरिका से तो मौलिक अधिकार था, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का था, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अमेरिका का है। तो वैसे यहाँ से जो चीजें हैं आयरलैंड की हैं। क्या है? आयरलैंड से DPSP लिया गया। चलते हैं अगले उस पर, प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, है नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जा रहा है। फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। तो बेटा फारसी भाषा नहीं है, फारसी का उल्लेख नहीं है संविधान के अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है 22 भाषा उनमें क्या कौन सी भाषा नहीं? फारसी नहीं है। बाकी संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, बोडो, इस प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। अब मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो बेटा किस श्रेणी में किया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में आता है बेटा, मौलिक अधिकार है ये। ठीक, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, भाग 3 में दिए गए। इस बात से सीधा पूछा जाएगा संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार है।
आते हैं अगले प्रश्न पे, ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हम प्रमुख चीजों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पर रोजगार के लिए कौन सा प्रतिबंध लगाता है? शोषण के विरुद्ध पिछले ही सवाल किया गया, किसका? शोषण के विरुद्ध, क्योंकि कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम नहीं दिया जाएगा ये संविधान कहता है, और किसी से भी बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता ये भी हमारा संविधान कहता है। मानव, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है? 1952, 1967, 1993 और 2006। बेटा 1993 में लागू हुआ, कब हुआ था? 1993 में। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, 14, 15 है। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? अब तो थे कहा जाएगा वर्तमान में ऐसे प्रश्नों के लिए, ये पहले की बात है कि उसमें एग्जाम में आया था, तो 2020 तक के एग्जाम में आया था, 20 में ही पूछा गया था, तो उस समय 4, 6, 9 और 12। तो बेटा इनकी संख्या उस समय क्या थी? 9। कितनी थी? 9। ऑप्शन नंबर सी आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है? वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष कम से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। एक ही वाले का कम, सॉरी, 18, 19, 20 और 21। बेटा 18 वर्ष से कम, 18 से कम साल वाला व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता, 18 से कम वाला व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, 17। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग, भारतीय राज्य की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा की नहीं हो रही, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहे। क्यों भंग की गई थी इस बात का आपको पता होगा, 370 की बात है, आर्टिकल 370A जम्मू कश्मीर का था, तो हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर बता ही दिया, तो फिर अब बचा ही क्या उसमें, जम्मू कश्मीर, ठीक। विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद ये फैसला आया था, आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया था। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फरुखुद्दीन, ठीक है, वरागिरी की गिरी लिखा हुआ है, वेंकट गिरी, फिर क्या है, वेंकट गिरी, नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह और मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो उनके इनके बाद बेटा नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो राष्ट्रपति बने थे भारत के, वो ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने भाग हैं वर्तमान में? एलिमिनेटिंग मेथड से भी अगर देखें ना, तुरंत आंसर आपको यूं ही पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। 15 हो ही नहीं सकता है, तो बहुत कम है। 30 है नहीं, 20 के ऊपर तो आर्टिकल आपने पढ़े होंगे भागों को, बचा है क्या बेटा? 25। कितने भाग है? 25। 19, 20। भारत का संविधान भारत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किनको देता है, ये पूछा गया, किनको देता है? बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा को। किसका? भारत के महान्यायवादी की बात हो रही है, तो ये अधिकार किसको मिलता है? आप सोचिए जरा, महान्यायवादी कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है, तो इनको सबसे बड़ा अधिकारी भी कानून व्यवस्था का, तो नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं इनकी नियुक्ति। भारत का मूल संविधान किनके द्वारा लिखा गया था, यह पूछा गया, हाथों से, टाइपिंग की बात नहीं हो रही,
रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो बेटा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको उनके हाथों से लिखा, हस्तलिखित जो संविधान था इनके द्वारा लिखा गया था। अब आगे आते उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कितनी सीटें ये पूछा गया, तो कितनी बेटा 80 और 403 सीटें की कहां पर है विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस वर्ष अलग हुआ था। बेटा वो वर्ष था सन 2000। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। महिलाएं, ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं महिलाओं के बारे में, तो ऐसे महिला मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हस्ताक्षर तो उस समय संविधान सभा में उन महिलाओं की संख्या क्या थी, 15 थी बेटा। कितनी थी, 15। ध्यान रखें ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, स्टैटिक जीके है डायरेक्ट। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे 2017 में बेटा, सबके प्यारे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत तो बहुत ही पुराना नाम हो गया, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं। ठीक है, लगातार दूसरी पंचवर्षीय है योगी जी की, इस बार आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, 25-26। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा, सोता, गरुण और राम, चिरैया और सारस। बेटा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, राजकीय पक्षी क्या, सारस है, सारस। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश का एक और नाम था जो 1937 से लेकर 1950 तक कहा जाता था, तो बेटा क्या था, उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत और रामकृष्ण प्रदेश। इसका नाम था बेटा संयुक्त प्रांत। क्या था, संयुक्त प्रांत। 28 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। ठीक है, अब क्या है, त्योहार राम मनोहर सिन्हा त्योहार, फिर आगे नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बेनेगल नरसिंह राव। तो बेटा एक जो प्रारंभिक संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन का जो है 28 फरवरी 1948 में जो किया था, ये बेनेगल नरसिंह राव जी ने किया था। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, डैश लगा हुआ है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल और सुमित्रा महाजन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की, तो बेटा मीरा कुमार। क्या नाम इनका, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अब आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म का, बीज वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। गेहूं की प्रजाति के नाम लिखे बेटा, गेहूं के प्रजाति के कौन कौन से, इंदिरा सोना, लार्मा रोजा, एराइज तेज और अंकुर। तो बेटा लार्मा रोजा जो नाम है ये बहुत अच्छी पैदावार दे रहा था और हरित क्रांति के दौरान इसको बहुत यूज किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के मतलब 1947 के बाद की बात है, उससे पहले 47 मतलब 15 अगस्त 47 से पहले तो आजाद था नहीं, उसके बाद आजाद हुआ, तो पहले रक्षा मंत्री की बात हो रही है, किसकी, रक्षा मंत्री की। तो नाम है बेटा कैलाश नाथ काटजू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह और यशवंत रावत चौहान। तो बेटा बलदेव सिंह कौन है, बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, नाम याद रखिएगा क्योंकि पहले मंत्री थे इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे,
नेक्स्ट 30, पहली महिला मुख्यमंत्री 1968 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम। यानी पहली बात उसमें ये पूछा गया, पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे ये पूछ सकता था कि किस वर्ष बनी, तो बेटा क्या कहते हैं हम, 1968 इसमें दे ही दिया गया। अब वो राज्य पूछा कि किस राज्य की बनी, तो बेटा उत्तर प्रदेश में बनी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और आपसे एक सवाल, पहली उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री 1968 में बनी, इनका नाम क्या था, प्लीज कमेंट में बताएं और जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आखिर किसने कमेंट किया, किससे अच्छा आता है। भारतीय संविधान में, अगले में, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। बेटा काफी हद तक, यहाँ गैप होना चाहिए था, क्या गैप, कि कहाँ के संविधान से प्रभावित है कानून बनाने की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब इन जगहों के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ से है, तो बेटा कानून बनाने की प्रक्रिया की बात हो रही, भारत कानून बनाने की प्रक्रिया, बेटा कहाँ से, जापान से, जापान से ज्यादा प्रभावित है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष डैश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, थोड़ा आगे पीछे ले गया, मतलब भारत में पहले, भारत में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए था, ठीक है। 2006, 2007, 8 और 9, मतलब किस वर्ष किया गया था ये पूछा है, तो बेटा जो ये आर राइट टू एजुकेशन है ये 2009 में लिया गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, प्रश्न है 34 तक हो गए, 35। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, द्विसदन विधानमंडल नहीं, क्या पूछा जा रहा है, मतलब कहां ऐसा है जहां विधान परिषद नहीं, बेटा सीधा ही सीधा ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न का मतलब यही है, बस पूछा से गया, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो बेटा तमिलनाडु में विधान परिषद या द्विसदन का हिसाब नहीं है। आगे, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से बेटा कौन थे, क्या संविधान सभा संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष की बात हो रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, गुलाब, गेंदा, चमेली और पलास, पलास, कहीं कहीं प्लास लिखा दापा मिलेगा, कोई बात नहीं, पर सही यही जवाब है, ठीक। और इसे ना पता हो गूगल कर लीजिएगा, फूल दिख जाएगा कितना सुंदर है। अब आते हैं बेटा आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब आया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब आया पूछा जा रहा है, ठीक। सन 2000, 1995, 1993 और 1950, अभी पहले तो क्वेश्चन कर चुके ना 1993 में, देखिए, और ये 2018 में आया और 2020 में फिर आया, सेम सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल कर आया, कब, यानी यहाँ पर एक डैश होना चाहिए था, कब 26 जनवरी, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, कब किया गया, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, और सब के सब 1950 की बात हो रही है, अगर ठीक से नहीं पता होगा 100% आपसे गलती हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, कब किया गया इस बात को समझे, 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया था बेटा, इस डेट को क्या, संविधान को अपनाया गया था, और 15 अगस्त 1950 तो हो ही नहीं सकता, संविधान लेने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं बना था नाम, 2 अक्टूबर 1950 ये भी गलत है, क्या बचा, एक ही बच रहा है 24 जनवरी 1950, इसी दिन क्या 15 महिलाओं ने साइन भी किया था, ठीक है, इस बात को याद रखे, पूछा गया सवाल, देखिए अभी आया था किसी ईयर 2020 के आसपास। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद सृजित किया गया कब, ये इधर होना चाहिए था, कब सृजित किया गया,
कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1950, 1965, 1975 और 1977 कब किया गया था ये बात हो रही, तो बेटा 1975 में किया गया। कब? 1975 में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद का सृजन किया गया, कब ये पद लाया गया। आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न पे, 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा, मतलब NCR जो दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर, तो बेटा कौन सा क्षेत्र है? शामली। अलीगढ़ तो काफी दूर है वहां से, ठीक है, हो ही नहीं सकता। आगरा भी बहुत दूर है, मथुरा भी बहुत दूर, एक ही दिख रहा है पास में उधर, आप ऐसे भी कर सकते अगर मैप अच्छा से आता है तो। आते बेटा अगले प्रश्न पे, भारतीय संविधान के भाग चार में तो यहां पर एक स्पेस होना चाहिए था, में का विवरण प्रस्तुत है, का विवरण प्रस्तुत है, मूलभूत अधिकार। भाग बेटा भाग चार की बात हो रही है, भाग चार की, ठीक है। और फिर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हो गए, यानी नीति निदेशक सिद्धांत तब तो एक ही बात, DPSPs हो गए, संघ की कार्यपालिका और संसद, तो भाग चार की बात। भाग तीन में मौलिक अधिकार है, भाग चार में आपके DPSPs है। अब आते हैं अगला प्रश्न बेटा, 43। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में, अब यहां पे गैप था बेटा, में का विवरण प्रस्तुत किया गया, किसका? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। परिवार, परिवार लिखा है इसको, परिवार है बेटा, ये परिवार है, ठीक है। का अधिकार किसका किया? गुलामी से स्वतंत्रता, किसकी बात हो रही बेटा? गुलामी से स्वतंत्रता की बात हो रही। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंध है? बेटा संविधान के अनुच्छेद की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही कहां, जैसे मानव अधिकारों के अनुच्छेद की, जैसे यहां भी लिखा हुआ देखिए, मानव अधिकारों का अनुच्छेद, ठीक, इस बात बताए तो संविधान का आप अनुच्छेद देखने लगे, 4 क्या है, 6 क्या है, गलत हो जाएगा तुरंत। 5 से 6 में तो बेटा क्या आता है? नागरिकता आती है, भाग 2 संविधान का। अब इसमें क्या है, अधिकार में किससे समझ, कौन सा अनुच्छेद बेटा? 6। किसका अनुच्छेद? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का, संविधान की बात नहीं हो रही डायरेक्ट है। कानून के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्राधिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता, यानी समतान, समानता ही होना चाहिए, समतानता क्या लिखा हुआ, समातना गलत है, समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, का अधिकार, इसकी बात हो रही। तो इसमें क्या बेटा, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट मत करना, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ऐसा नहीं कि एक आदमी हो कई जगह पे अपने आप को ऊपर, जैसे कि यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ के रेजिडेंस है, यहाँ का भी नागरिकता, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, भारत में बेटा एकल नागरिकता है, अमेरिका में डबल है, केंद्र की भी है और राज्य की भी है, भारत में कैसी बेटा? एकल नागरिकता, एक केवल राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की भाषाओं की सूची में प्रदान करती है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक, फिर से थोड़ा सा उल्टा सीधा लग गया है, भारतीय संविधान की भाषाओं की सूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक कौन से अनुसूची में प्रदान किया गया भारतीय संविधान की भाषाओं को? तो बेटा 11वीं अनुसूची, 14वीं अनुसूची, 12वीं और 8वीं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दिया गया, किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दिया गया है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भारतीय संविधान की भाषाओं की अनुसूची 8वीं में है बेटा, किसमें? 8वीं। प्रश्न को थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, डजंट मैटर, बात को समझ लें। फिर है स्पेस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बेटा राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती इसकी बात हो रही, की जाती है की बात नहीं हुई है बेटा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो राष्ट्रपति ही करते हैं, अधिवक्ता
को नहीं करते हैं, महाधिवक्ता जो आपके वकील वाले राज्यपाल को करते हैं, महान्यायवादी को करते हैं। तो सही जवाब बेटा क्या है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए इसको गोला किया। बाकी को क्या राष्ट्रपति करते हैं, कभी ऐसे प्रश्न आ जाए निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो हमें पता होगा तब ना बेटा कर पाएंगे। अगला प्रश्न, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश एन स्पेस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था, इसकी बात हो रही है। 978वां, ये 9 तो गलत होगा, टाइपिंग मिस्टेक ही हो सकता है, 78वां उसे लिखा होगा, ठीक है। 94वां, 101वां और 114वां, ठीक। सही जवाब बेटा क्या, 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी को शामिल किया गया, किसने को, जीएसटी को शामिल किया गया। अब आते हैं बेटा अगला, जीएसटी मॉडल कहां से लिया गया था, कनाडा है बेटा, ध्यान रखा, अभी पिछले एक सीरीज में करा चुके हैं। जीएसटी से अक्सर प्रश्न आता है, हर बार आता है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान दे बेटा, अच्छे से पढ़े, जीएसटी कहां से लिया गया, कब लिया गया, क्या संशोधन है, जीएसटी के कितनी अलग अलग दरों से जीएसटी चार्ज हो रहा है, केंद्र को कितना जाता है, राष्ट्र को कितना, सॉरी राज्य को कितना जाता है, टाइप क्या है जीएसटी के, इन सब की आपको जानकारी होनी, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में आया, सेम प्रश्न आरओ एआरओ में भी आया, वर्ष नहीं याद है इस समय, बट आया 100%, हमारी ही सीरीज पड़ी हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं आरओ एआरओ के प्रश्नों को, और उनको भी पढ़ने की कोशिश करें, उससे भी प्रश्न आपको यहाँ जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस पुलिस की परीक्षा तो बस यहीं से, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस से तो कुछ भी पूछ सकता है। अब वर्ष कौन सा बेटा, 1947, 1967, 1968 और 1970, तो 1968 में पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से बोल दिया गया था कि सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग होगा, तभी देखिए पुलिस की जो भर्ती आई, नोटिफिकेशन है, कुछ भी इशू होता है वो किसमें करते हैं बेटा, हिंदी भाषा में पत्र का लेखन होता है, किसमें, हिंदी भाषा में। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की, जीएसटी पूछा है बेटा, क्या पूछा गया इसमें, यानी जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, कितना घुमा के पूछा, तो कौन सा संशोधन था बेटा, 101वां संविधान संशोधन, सॉरी 101वां संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही थी यहां पर, तो विधेयक तो 122 है, ये विधेयक 122 है, कानून जो बना था 122वां नंबर था, ठीक है, उसमें संशोधन था, और 101 संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक, 122 कंफ्यूज ना हो इसलिए वहां पे 101 लिखा था। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, 49 ओके 50, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। देखिए अभी हमने बात की बिना प्रश्न देखे पहले ही आपको बताया किसमें, भाग दो में, किसमें बेटा, भाग दो में नागरिकता है, आर्टिकल क्या है, 5 से 11, आर्टिकल कितने है, 5 से 11, ठीक है, इस बात का याद रखें, सीधे भाग, सभी भागों को याद कर लें, किस भाग में क्या अक्सर पूछा जाता है। संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम, किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 23 की बात कितने बेटा, वही देखिए फिर से पूछ लिया, क्या उठा के पूछ दिया, किस वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, 14, 15, 16, 17, तो बेटा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने की अनुमति संविधान नहीं देता। प्रैक्टिकल लाइफ तो आप मार्केट में देख सकते हैं क्या क्या होता है, बच्चे होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, ठेले पे काम करते हैं, आर्थिक स्थिति भी कराती है, ठीक है, तो कानून कुछ कहता है, वास्तविकता बेटा कुछ है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। बेटा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहा है, किसकी? चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहा है, ना कि राष्ट्रपति का पद की बात कर रहा है, ना कि वेतन की बात कर रहा है। तो बेटा आर्टिकल 55 होता है चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन कहता है? आर्टिकल 55, भारतीय संविधान का आर्टिकल 55। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली लोकसभा के उपसभापति थे? सभापति नहीं पूछा बेटा, उपसभापति को पूछा है। रवि राय, बली राम भगत, एम अनंत सैनम, ये बेटा साउथ के हैं। कहां के? साउथ के हैं, ठीक है। अयंगर और है इसमें जी लक्ष्मण, तो बेटा यही हैं भी, यही हैं भी। उपसभापति की बात हो रही है, कहां के? लोकसभा के, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 यानी 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, क्या लिखा हुआ संसद का संविधान देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटर्नी जनरल, बेटा होता है अटर्नी जनरल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं वैसे इसको, ये अटर्नी जनरल, ठीक, अटर्नी जनरल। अब 66 अनुच्छेद किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, किससे बेटा? उपराष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या था पहले? 55 की बात हो रही थी, देखिए यही कराया हुआ सवाल बेटा, पीछे कहाँ गया, ये देखिए 55, ठीक है, 52 सवाल में 55 नंबर अनुच्छेद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ये पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता और सहकारी समितियों का प्रोत्साहन देना। देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं और अक्सर इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। तो बेटा आर्टिकल 20 दोष सिद्ध होने के संबंध में, यानी कि आपको जब पुलिस ये कहे कि आपने ये दोष किया है या ये जुर्म किया है, तो आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस से पूछें कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, सबसे पहले हमें वो बताएं। आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने लॉयर से। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 मतलब किससे संबंधित है पूछा? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता और सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। तो बेटा दोष सिद्धि से संदर्भ में संरक्षण देता है, किससे? दोष सिद्धि के संरक्षण में। ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी 21 ए के तहत राज्य को किस वर्ष की आयु, यानी कि थोड़ा सा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यहाँ पे लिखा जाए कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, वो वर्ष क्या बेटा? किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें आएंगे? तो वो बेटा 6 से 14 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 से 14 यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, और यही हमारा मौलिक कर्तव्य में 11वां है। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, बहुत जल्दी से करते हैं, समय काफी हो रहा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये बात सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, स्थगन की बात हो रही है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, विधान परिषद को भंग करने की बात हो रही है। बेटा परिषद को भंग नहीं कर सकता, किसको? विधान परिषद को, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, भंग किसको कर सकता है बेटा? विधानसभा को, ना कि परिषद को, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन ये वाला जो था सी नंबर सही जवाब था, इसके लिए वैसे गलत है इन द सेंस कि ये नहीं कर सकता है, पर हमसे गलत ही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। वाह मैं डबल मात्रा बेटा, देख इतना कोई बड़ा वो इशू नहीं उसका। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, संपत्ति का अधिकार। तो बेटा आर्टिकल 22 जो कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आपको आके कोई भी गिरफ्तार कर ले, आपके पास उसका अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 59 टू बार ये गलत है। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बेटा फरखुद्दीन अली अहमद थे, फरखुद्दीन अली अहमद कब 1975 में आपको राष्ट्रपति का जो है, कितने राष्ट्रपति कब कब उनका कार्यकाल याद होना सीधा पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अगर वो याद होता तो आपातकाल आता या ना आता हम तब भी बता लेते, और आपातकाल लगा इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित हैं, संप्रदाय पूछा गया, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बेटा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जो है, नाथ नाम है ना, नाथ, देखिए नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, इनके नाम में नाथ यहां से आया। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, अगला, निम्न में से कौन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही जवाब है। कौन है बेटा? जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कौन? मुस्लिम राष्ट्रपति की बात हो रही, मुस्लिम राष्ट्रपति, ना कि राष्ट्रपति की। ठीक है, वो तो पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? गलत नहीं पूछा गया बेटा, सही पूछा गया। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, गलत बात, गलत जवाब है ना। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी, ये सही है, इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगाते बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी क्या थी उस समय? प्रधानमंत्री। आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है यहां से, एक्चुअली इनकम्प्लीट था प्रश्न, पीडीएफ बन चुका था, बहुत ही कम समय में बेटा तैयार हो रहा था, गलतियां छोटी मोटी हो जाती हैं बच्चों से, तो देखते हैं, और गलती तो बेटा सबसे होती, कभी ना कभी हो ही जाती है। ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं, छोटा सा लिख दिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सही है, मिलान करना है? आर्टिकल 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इतना मैं बता दे रहा हूँ बेटा, लिखा थोड़ा सा, संघ बनाने का अधिकार, इसका पीडीएफ मैं सही करा के अपलोड करा दूंगा, डजंट मैटर, आप उसकी चिंता मत करें। ठीक है, एक आध जगह गलती मिली है, संघ बनाने का अधिकार 19E गलत है, ये पहले वक्त यही सही था हमारा 19A। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही जवाब था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही जवाब था। आर्टिकल किसमें आएगा? 19A में। ठीक है, अनुच्छेद ई संघ बनाने का अधिकार गलत है, 19E, और किसी पेशे को करने का अभ्यास करने का 19B गलत है। ठीक है, तो क्या था? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार की बात गलत है। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार चेक, नहीं देखते हैं, 19ABC 6 अधिकार है बेटा, भाषण और अभिव्यक्ति, तो ठीक है बेटा, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं, ए लिखा हुआ है, ये ए है, इसको कुछ और मत समझे, ए। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन? 19 clause A। ठीक है, वैसे इसको और भी देखे तो 19(1) clause A कहा जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते बेटा, निम्न में से कौन गलत है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, कौन? राज्यपाल, सही बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उनका कार्यकाल बना रहे, सही बात है। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र, सही बात है। आयु 30 वर्ष नहीं होती बेटा, 35 होती है, इसलिए ये गलत है, वो गलत ही हमें छाटना था। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है सवाल नंबर 65, और ये सेशन का लास्ट प्रश्न भी है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का स्पेस है बेटा द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब किनकी सलाह पर? केंद्रीय,
शुरुआत के सेशन में पहले प्रश्नों में बताया केवल और केवल प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है बेटे कौन, राष्ट्रपति, जो सबसे प्रमुख उस मंत्रियों में सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट मंत्री को, और उनको कौन चुनेगा, उनके मंत्री ही चुनेंगे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसके बाद अब बात आती है अन्य मंत्रियों की, तो राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ना कि खुद डायरेक्ट उनको अपॉइंट करेंगे। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार से हमने करीब 65 प्रश्नों को हल किया जो पिछले वर्षों में आए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे से देखें इनको, और साथ ही साथ यूपी पुलिस सॉरी आर ओ ए आर ओ के प्रश्नों की सीरीज पड़ी हुई यूपी स्पेशल का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, उससे जरूर कुछ ना कुछ आपको दो चार प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार से पिछले प्रश्नों को रिवाइज कर इनको करें, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें, करंट अफेयर का सेशन बहुत जल्द हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम डाल देंगे, ठीक है। अब इतना पढ़ाने का तो समय है नहीं, इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्नों से हम लोग उन पर चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आराम से रहिए, मजे में रहिए।